हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट थर्ड, नया पार्ट है हमारा। इससे पहले हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाला पार्ट देख रहे थे, पार्ट एट था वो। तो उधर की आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो दोनों पार्ट हो चुके हैं, जिसमें पार्ट 7 एंड 8 था। अब हम देखने हैं पार्ट 3, जिसमें पहला चैप्टर आएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस पार्ट में मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि किन को प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है या फिर इलेक्ट किया जा सकता है। तो आप देखेंगे जो सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन हो, जिनकी एज कम से कम 35 ईयर्स हो, साथ ही साथ वो हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा, ठीक है, ये लोकसभा के मेंबर इलेक्ट होने की ये क्वालिफिकेशन रखते हो या एलिजिबिलिटी रखते हो, यानी कि वैसे मेंबर जिनको हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा का मेंबर यानी कि एमपी बनाया जा सकता है, लेकिन एमपी राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का। तो वैसे क्वालिफाइड जो कैंडिडेट होंगे उनको भी प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ वो यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी अंडर में वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर चार क्राइटेरिया बनाए गए हैं या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि किनको प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, जिनका नाम है। तो अगर ये अगली बार चेंज हो जाए और स्लाइड यही रहे तो ध्यान रखिएगा कि अब चेंज हो चुके हैं, ठीक है। फिलहाल जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब के ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, फ्यूचर में कोई और हो सकते हैं। इलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इनका जो टर्म होता है ये 5 साल का होता है, ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। या तो ये रिजिग्नेशन दे के रिटायर होंगे, ठीक है, या फिर रिमूव होंगे। तो रिजिग्नेशन ये किसको देंगे, रिजिग्नेशन ये देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, या फिर इनको इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। या तो खुद से ये रिजाइन करें, या फिर अगर इनको रिमूव करना हो तो केवल और केवल इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है, ठीक है। तो अब यूएसए में जैसे होता है कि यूएसए में 2 टाइम्स के लिए ही प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, 2 बार से ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चुने जाते, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अनलिमिटेड टाइम के लिए प्रेसिडेंट को चुना जा सकते हैं, एक जो कैंडिडेट है वो चाहे तो कितनी बार भी प्रेसिडेंट वो बन सकते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बनने के लिए सिर्फ इंडिया का सिटीज़न होना काफ़ी है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में आपको बॉर्न होना चाहिए या फिर आपका जन्म यूएसए में हुआ है तभी आप वहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप यूएसए के सिटीज़न हैं तो आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर आपका जन्म होना ज़रूरी है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं यूएस के प्रेसिडेंट और हमारे प्रेसिडेंट के बीच में, ठीक है। साथ ही साथ अब हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए यानी कि कौन लोग जो होंगे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रोल कॉलेज होता है। मेनली ये किसी तरीके का कॉलेज नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब ये एक ग्रुप है जिसमें वो इलेक्टर्स होते हैं या फिर वो लोग होते हैं जो वोट देते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप के तहत कौन कौन से लोग आते हैं, ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में लोकसभा भी आता है और पार्लियामेंट में राज्यसभा भी होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर होंगे यानी कि जो चुन के जाएंगे वो वोट देंगे। राज्यसभा में 12 मेंबर ऐसे भी होते हैं जो नॉमिनेट होते हैं, ठीक है, ये नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, तो ये लोग वोट नहीं देंगे क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं है, ये नॉमिनेटेड मेंबर हैं। और अभी तक लोकसभा में भी 2 लोग नॉमिनेट होते थे, कौन, एंग्लो इंडियंस, अभी तक, ठीक है। अब ये प्रोविज़न ख़त्म हो गया है, ध्यान रखिएगा, नया एक एक्ट आया जिसके तहत एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन हुआ करता था लोकसभा में वो ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी तक ये 2 एंग्लो इंडियन भी नॉमिनेट हुआ करते थे लोकसभा में। तो जो लोग नॉमिनेट होंगे वो वोट नहीं दे सकते, सिर्फ इलेक्टेड लोग देंगे। उसी तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वहाँ के इलेक्टेड मेंबर, वहाँ पर भी मेंबर नॉमिनेट होते हैं, वो नहीं देंगे,
ठीक है। इसके साथ साथ कुछ यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे कि दिल्ली में है और पौंडीचेरी जिसका नया नाम पुद्दुचेरी है, अब इसको पुद्दुचेरी कहा जाता है। तो दिल्ली और पुद्दुचेरी में हमारे यहाँ स्टेट असेंबलीज भी हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें भाग लेती हैं, इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भाग नहीं लेता, इसके मेंबर इसमें वोटिंग नहीं करेंगे। तो सिर्फ वोटिंग कौन करेंगे? लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं, स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल के मेंबर इसमें वोट नहीं देते हैं। तो इनको मिला के ग्रुप बनाया जाता है जिसको हम इलेक्ट्रोल कॉलेज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग वोट नहीं देते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। जहाँ पर बाई कैमरल कंडीशन हो जिस स्टेट में, तो वहाँ के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर वोट नहीं देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इनका जो इलेक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर होता है, ठीक। तो ऐसा बताया गया आपको आर्टिकल 56 में, जिस मेथड के द्वारा इनका इलेक्शन होगा। तो उस मेथड में कुछ कैलकुलेशन किया जाता है कि अब जितने एमएलए हैं, एमएलए मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, उनके जो मेंबर होते हैं उनको एमएलए कहा जाता है, और जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनको एमपी कहा जाता है। तो एक एमएलए का कितना वोट होगा, यानी कि एक एमएलए का जो एक वोट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो यहाँ पर निकाला जाता है। वो निकाला जाता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यूपी का अगर निकालना हो, एक मेंबर का जो वोट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो यूपी का पूरा पॉपुलेशन जितना भी हो आज 20 या 21 करोड़ इसी के आसपास में है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली में जितने नंबर होंगे हम उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और इनटू 1/1000। इसके बाद जो यहाँ पर फिगर आएगा, ये फिगर जो होगा एक एमएलए के वोट का वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से करके सारे स्टेट्स में एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सारे एमएलए का जो वोट की वैल्यू होगी आपके पास आ जाएगी। फिर क्या करेंगे आप कि अब जो एमपी होंगे, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर होंगे, उनके वोट की वैल्यू क्या होगी, वो भी आप कैसे निकालेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट्स। यहाँ पर आपने निकाला सारे एमएलए के वोट की वैल्यू, उनको आप ऐड कर दीजिए, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जितने भी इलेक्टेड मेंबर जाते हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिला के, उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू वो आएगी वो आपके एक एमपी के वोट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको कैलकुलेशन मिला। तो अब क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोल कोटा निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, जितने नंबर ऑफ वोट पढ़ेंगे, डिवाइड बाय 2 और प्लस वन किस लिए, क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज़ होता है। प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट जीतेगा उसके लिए यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज़ होता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब ये होता है 50% प्लस वन, दिस इज द एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यानी जितने भी वोट मिले, मान लीजिए अगर इनको 100 वोट मिलते हैं तो 100 वोट का 50% 50 और प्लस 1 51, तो 51 वोट चाहिए इनको जीतने के लिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। लेकिन हमारे लोकसभा और के इलेक्शन में, साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज होती हैं उनकी इलेक्शन में, ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाला केस नहीं होता। हमारे यहाँ कौन सा केस होता है, हमारे यहाँ केस होता है जिसको ज़्यादा वोट मिल गया वो जीत गया, ठीक। अब वोट किसको 25% भी टोटल मिल सकता है पूरे का, किसी को 35% भी मिल सकता है। तो इनमें से जिसको ज़्यादा मिल गया, मान लीजिए एक पार्टी को 25% मिला, एक को 35% मिल गया, एक को इसी तरीके से 45% मिल गया, ठीक है, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, बस ये ज़्यादा हो गया 100 से शायद। तो खैर मान लीजिए 30% किसी को मिल गया, तो इसमें से जिसको ज़्यादा मिल गया वो जीत जाएगा। तो ज़्यादा किसको मिल गया, 35% वाले को ज़्यादा मिला तो वो जीत गया। तो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है,
यहाँ पर हम प्रेसिडेंट के केस में एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। डिस्प्यूट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है तो आप किसके पास जा सकते हैं, यहाँ पर केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होती है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उनको वो सॉल्व कर पाए, ठीक है। खैर ये जो प्रोविज़न है इसको चेंज करने की भी कोशिश की गई, कब, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1939 इसके द्वारा किया गया कि ये जो प्रोविज़न है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है, इसको चेंज करने की कोशिश की गई। लेकिन दोबारा 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसको क्या किया गया कि जैसा पहले था वैसा इसको कर दिया गया, यानी कि आज जो करेंट सिचुएशन है कि इनके डिस्प्यूट को कौन देख सकता है, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कौन लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं, तो दो तरीके से यहाँ पर चैलेंज किया जाता है। एक, जो कैंडिडेट हो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, यानी कि प्रेसिडेंट बनने के लिए जो लोग खड़े हैं कैंडिडेट हैं, उनमें से कोई जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। या फिर कौन जा सकता है, या फिर 20 या 20 से ज़्यादा इलेक्टर्स, ठीक है। इलेक्टर्स मतलब जिन्होंने मिलकर चुना है, जिन्होंने वोट दिया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो वैसे लोग कम से कम 20 लोग एक साथ मिलके, या फिर 20 से ज़्यादा ये लोग मिलके एक ग्रुप बना के, यानी कि ग्रुप की तरह वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। इनके अलावा कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ याद ध्यान रखिएगा कि ये लोग जब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ केस किया जाएगा, वहाँ केस नहीं किया जाएगा, वो यहाँ पर इलेक्शन पिटिशन दिया जाता है। ये इलेक्शन पिटिशन होती है, ये इलेक्शन पिटिशन के द्वारा ही ये क्या कर सकते हैं कि इस इलेक्शन को ये चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा इलेक्शन पिटिशन के अलावे और कोई दूसरा मेथड नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को चैलेंज करने का, ठीक है। तो जैसा कि लिखा गया है कि या तो सिर्फ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जो खड़े हैं इलेक्शन में वो जा सकते हैं, या फिर 20 या उससे ज़्यादा इलेक्टर्स जो हैं वो जा सकते हैं, ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया। और एक और चीज़ और है कि ये पिटिशन जो होगा वो रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर दिया जाएगा। तो मान लीजिए आज, जैसे कि आज कोई भी तारीख हो 9 अप्रैल, तो 9 अप्रैल को रिजल्ट आया तो इसके 30 दिन बाद यानी कि 9 मई, तो ये 30 दिन के अंदर ये पिटिशन दिया जाएगा। 30 दिन से ज़्यादा हो जाएगा तब उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। कंडीशन ऑफ ऑफिस के बारे में बात करें तो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि ये जो प्रेसिडेंट होंगे वो पार्लियामेंट या फिर किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। या तो इसका मतलब ये हुआ कि ना वो एमपी हो सकते हैं और ना वो एमएलए हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो एमपी हैं या फिर एमएलए हैं, यानी कि अगर वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, तो प्रेसिडेंट बनते ही उनको क्या करना होगा कि अपना सीट जो है वो खाली करना होगा, ठीक। या एमपी है, अगर एमएलए है तो वो पद उनको छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर हो, जहाँ से उनको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलती हो, फैसिलिटीज मिलती हो, तो वैसे पद को भी इन्हें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस है। सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर सैलरी और जो भी सर्विस कंडीशन वगैरह, अलाउंस, प्रिविलेज, ये प्रिविलेजेस जो भी मिलती हैं, ये पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है, ठीक है। अकोमोडेशन, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस जो भी मिलेगी ये पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ सैलरी भी, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो फिलहाल इनिशियली 10,000 पर मंथ प्रेसिडेंट की सैलरी थी 1951-52 में। फिर इसके बाद अमेंडमेंट हुआ 1998 में, 50,000 हुआ। फिर 2008 में सैलरी बढ़ा के 1.5 लाख पर मंथ कर दी गई। ओके, नाउ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल, ठीक है। जब रिमूव करना हो प्रेसिडेंट को तो केवल और केवल इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट जो होगा ये प्रोसीजर किसी भी हाउस में स्टार्ट किया जा सकता है, या तो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो,
दोनों में से किसी में भी आप प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर अदर हाउस, ठीक है। लेकिन ये प्रोसीजर स्टार्ट करने से 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को नोटिस देना पड़ेगा कि देखिए सर या मैडम, हम आपके अगेंस्ट इम्पीचमेंट लाने वाले हैं इस हाउस में, ठीक है। तो 14 दिन पहले उनको बताना होगा, नोटिस देना पड़ेगा। तो कौन लोग ये नोटिस दे सकते हैं? डेफिनेटली वो एमपी ही होंगे जो नोटिस देंगे, लेकिन एक इकलौता एमपी जाके ये नोटिस नहीं दे सकता। अगर मान लीजिए कि लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस करना है, तो लोकसभा में जितने मेंबर हैं इसका 1/4 यानी कि 25% मेंबर उस नोटिस पर साइन करेंगे, तब भेजा जाएगा। या फिर अगर राज्यसभा में इनिशिएट होने वाला है तो राज्यसभा का 1/4 यानी कि 25% मेंबर उस नोटिस पर साइन करेगा, तब भेजा जाएगा। यानी कि किसी भी हाउस में अगर उसको इनिशिएट किया जा रहा है तो उस हाउस का जो जितना स्ट्रेंथ या जितना मेंबर है, उस मेंबर का 25% लोग उस नोटिस पर साइन करेंगे, तब उस नोटिस को भेजा जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अब ये जो रिजोल्यूशन होगा इसको 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से इसको पास करना होता है, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी। दोनों हाउस में इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहां पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती, यहां पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि क्या होता है ना कि कोई एक्ट, कोई बिल पास नहीं होता है तो हम ज्वाइंट सिटिंग करा के उसको पास करते हैं, लेकिन यहां पर कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। अलग अलग हाउस से इसको 2/3 यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। तो दोनों हाउस से अगर ये पास हो जाता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान प्रेसिडेंट को ये पूरा अधिकार रहता है इस पूरी प्रोसीजर में को अटेंड करने का और अपने आप को डिफेंड करने का, ठीक है। तो नाउ वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट होती है तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, पहली चीज कि प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने साल का होता है? 5 years का होता है। तो अगर जो आगे आने वाले प्रेसिडेंट है, यानी जो नए आने वाले प्रेसिडेंट है, उनका इलेक्शन 5 साल, इनका जो अभी मान लीजिए रामनाथ कोविंद है, ठीक है, अभी रामनाथ कोविंद है, तो रामनाथ कोविंद के बाद जो प्रेसिडेंट आएंगे उनका इलेक्शन इनके 5 साल का टेन्योर खत्म होने के पहले हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इनका 5 साल खत्म हो गया और ये इनको हटा दिया, अब ये चले गए उसके बाद इलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता। ये जब 5 साल खत्म होने वाला होगा तब उन जो हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे उनका इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ताकि इनके हटते ही वो अपने ऑफिस को संभाल लें, ठीक है। या फिर अगर किसी वजह से इनका पद रिमूव कर दिया गया या फिर रिजिग्नेशन हो गया, अगर इन्होंने रिजाइन दे दिया, तो फिर क्या होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट का काम करने लगेंगे, ठीक है। और विद इन सिक्स मंथ ही क्या होगा कि ये इलेक्शन कराया जाएगा प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट अगर रिजाइन किया है तो तुरंत वीपी जो होंगे वाइस प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट का काम करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराया जाएगा, ओके। तो या फिर रिमूव उनको कर दिया गया, इम्पीचमेंट किया गया, तो इम्पीचमेंट करने के केस में भी यहाँ पर वीपी आते हैं और फिर 6 मंथ के अंदर ही यहाँ पर इलेक्शन कराया जाएगा, ठीक है। नाउ अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट नहीं है, तो प्रेसिडेंट नहीं है तो इनका काम कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो ये काम कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तब इनका काम कौन करेगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एक हायरार्की होती है कि कौन नहीं रहेगा तो कौन फिर काम करेगा, इस आपको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें प्रेसिडेंट का फंक्शंस, अगर वीपी प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं या फिर सीजीआई कर रही है या फिर कोई भी सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट का काम कर रहा है, तो प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है, प्रेसिडेंट को जो फैसिलिटीज़ मिलती है, प्रेसिडेंट को जो इम्यूनिटीज़ मिलती है, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़, अलाउंस, सैलरी एंड एवरीथिंग वो इनको मिलेगी, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट के पद पर जो भी काम करेगा
उन सभी को ये सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। अब देखते हैं हम कुछ फंक्शंस के बारे में। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, तो मेनली एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में अपॉइंटमेंट्स हैं। अब देखिएगा यहाँ पर मेनली अपॉइंटमेंट्स है कि प्रेसिडेंट किनके किनके अपॉइंटमेंट्स करता है। तो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस। उसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, किसके रिकमेंडेशन पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पर। और फिर उस हाई कोर्ट के जो बाकी मेंबर होंगे उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। यूपीएससी के चेयरमैन, यूपीएससी के अदर मेंबर्स, अटॉर्नी जनरल, कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी के मेंबर इलेक्शन कमीशन के, ठीक है, फिर अच्छा कैग दो बार आ गया है, कैग, अच्छा ये सभी, इलेक्शन कमीशन भी दो बार आ गया, डुप्लीकेशन हो गया यहाँ पे, स्टेट के गवर्नर्स हो गए, हाई कमिश्नर या फिर एम्बेसडर्स हो गए, फिनेंस मिनिस्टर, फिनेंस कमीशन के जो मेंबर्स एंड चेयरमैन होते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ एस टी एस सी एंड उनके चेयरमैन वगैरह, यूनियन टेरेटरीज में जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, मतलब कि क्या, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए जाते हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है इनके द्वारा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। मिलिट्री पावर्स की बात करें तो हमें पता है कि सुप्रीम, ये प्रेसिडेंट जो होते हैं सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया, जो भी हमारी फोर्सेस हैं इनके सुप्रीम कमांडर होते हैं। ठीक है, तो अगर वॉर करना हो, पीस करना हो, तो ये सारा का सारा डिक्लेयर करने का काम, वॉर डिक्लेयर करने का काम, पीस डिक्लेयर करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वॉर करना है तो तुरंत ऑर्डर दे दिए तो कल से लड़ाई शुरू, ठीक है, ऐसा नहीं है, उसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ता है तभी होता है। ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जितने भी एम्बेसडर होते हैं, ठीक है, जितने भी हाई कमिश्नर्स होते हैं जो दूसरे कंट्री में हम भेजते हैं अपने एम्बेसडर, या फिर दूसरे कंट्री के एम्बेसडर हमारे यहाँ आते हैं तो उनको रिसीव करने का काम भी प्रेसिडेंट करता है। साथ ही साथ आप ये भी देखे हैं कि किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ या दूसरी कंट्री के साथ जो ट्रीटी या एग्रीमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के नाम से होता, नहीं ऐसा नहीं है, जितने भी ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स होते हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, तो लेजिस्लेटिव पावर में जैसे कि जो पार्लियामेंट की हाउस होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनको समन करना, समन का मतलब सेशन को बुलाना, प्ररोग का मतलब सेशन को स्थगित करना। ठीक है, तो ये सारा काम कौन करता है? प्रेसिडेंट। और दो सेशन के बीच में, दो सेशन इन द सेंस कि एक, जैसे कि मान लीजिए कि लोकसभा का सेशन अभी चल रहा है, लोकसभा का सेशन अभी 9 अप्रैल को ख़त्म हो गया, फिर अब जो दूसरी बार लोकसभा का सेशन स्टार्ट होगा तो उस डेट और इस डेट के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ लोकसभा को डिसॉल्व करना, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। ठीक है, हर जनरल इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस को एड्रेस करते हैं। ठीक है, चाहे वो अलग अलग एड्रेस भी कर सकते हैं, एक बार लोकसभा में जाके, एक बार राज्यसभा में जाके, या फिर वो ज्वाइंट सेटिंग ही बुला दें कि भाई आप लोग साथ में बैठ जाइए, दोनों हाउस के लोग, हम एक ही साथ दोनों को एड्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये भी होता है। साथ ही साथ हमने पहले ही देखा कि राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट भी किया जाता है, तो नॉमिनेट भी प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस के एरिया से रिलेटेड। ठीक है, साथ ही साथ कोई भी बिल एक्ट तब बनती है जब उस पर प्रेसिडेंट का साइन होता है, तो ये सारा का सारा काम लेजिस्लेटिव वर्क में आएगा। कुछ बिल ऐसे भी होते हैं जिनको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट के प्रियर रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि प्रियर अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना हो या फिर किसी भी स्टेट के नाम को चेंज करना हो, तो वैसे बिल को सबसे पहले प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेकर इंट्रोड्यूस किया जाएगा।
मनी बिल हो या फिर फिनेंस बिल हो, ठीक है, साथ ही साथ टैक्स से रिलेटेड कोई मामला हो या एक्ट हो उसको इंट्रोड्यूस करना है जिसमें इंटरेस्ट स्टेट का भी इंटरेस्ट हो, यानी कि इंटरेस्ट ये जो स्टेट्स हैं उनके भी कंसर्न उस टैक्स से जुड़े हों, तो वैसे केस में प्रेसिडेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। साथ ही साथ वैसा बिल जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आया हो वैसे बिल को भी लाने के लिए पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल जरूरी है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 1, 2, 3, देखिए याद करना कितना आसान है, 1, 2, 3 लगातार है, तो आर्टिकल 1, 2, 3 के अंडर में आता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ रूल। ऑर्डिनेंस कब प्रेसिडेंट दे सकता है, जब दोनों हाउस में से कोई भी एक हाउस सेशन में ना हो, यानी कि काम नहीं कर रही हो, अभी उसमें सेटिंग नहीं हो, ठीक है, क्योंकि किसी भी एक्ट या लॉ को बनाने के लिए उसे पार्लियामेंट से पास करना पड़ता है, तो पार्लियामेंट से वो तभी पास होगा जब दोनों हाउस की सेशन चल रहे हों, लेकिन अगर दोनों में से किसी भी हाउस का अगर सेशन नहीं चल रहा है तो उस एक्ट को या फिर उस बिल को पास नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब उस बिल को पास नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसी अर्जेंट सिचुएशन आ गई हो कि हमें इससे रिलेटेड एक लॉ चाहिए लेकिन पार्लियामेंट अब चूंकि सेशन में नहीं है तो पास नहीं कर सकती, तो इसलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट को एक पावर दिया गया है कि वहाँ पर एक ऑर्डिनेंस ला सकते हैं ताकि उस अर्जेंट सिचुएशन को टैकल किया जा सके, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल 1, 2, 3 के अंडर में आता है, ठीक है। तो ऐसे जो ऑर्डिनेंस होते हैं इनकी वैलिडिटी कितने मंथ की होती है, 6 मंथ की होती है, ठीक, और जब पार्लियामेंट का सेशन बैठता है तब 6 वीक के अंदर इसको अप्रूव करना जरूरी होता है। अगर पार्लियामेंट का सेशन बैठने के बाद 6 वीक के अंदर इसको अप्रूव नहीं किया जाएगा तो ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम कितनी लाइफ हो सकती है एक ऑर्डिनेंस की, 6 मंथ + 6 वीक एक मैक्सिमम ये लाइफ हो सकती है ऑर्डिनेंस की। अब उसके बाद अगर पार्लियामेंट उसे अप्रूव कर देता है तो फिर आगे और चलेगा, ओके। चलिए वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि विद इन 6 अगर पार्लियामेंट की सेशन बैठती है तो 6 वीक के अंदर उसे करना होगा, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा, ओके। तो मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस 6 मंथ एंड 6 वीक, इसे हम पढ़ चुके हैं। नाउ जुडिशियल पावर, पावर टू ग्रांट पार्डन, तो इसमें प्रेसिडेंट को 5 तरीके के पावर दिए गए हैं, पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन एंड कम्यूटेशन, ठीक है। अब देखिए समझते हैं कि इस अलग अलग से ये क्या होते हैं। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीट पार्डन, मतलब क्षमा करना, हिंदी में समझे तो। आपने कभी कोर्ट वगैरह देखा होगा, मूवी वगैरह, तो उसमें कभी कभी बाइज्जत बरी की जाती है किसी को, ठीक है, सिर्फ बरी नहीं करना, बाइज्जत बरी करना। बाइज्जत बरी करने का मतलब ये होता है कि एक तो आप पर जो सेंटेंस या पनिशमेंट सेंटेंस था इससे तो आपको मुक्ति मिल गई, साथ ही साथ आपकी जो डिग्निटी है ये भी जैसे पहले थी वैसे ही बरकरार रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है सेंटेंस, सेंटेंस का क्षमा करने का मतलब कि आपको इसके लिए गिल्ट साबित कर दिया गया लेकिन आपको हम सज़ा नहीं दे रहे हैं, ये अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ पर सज़ा भी नहीं देना है, साथ ही साथ उनकी डिग्निटी भी पहले जैसी रहे, ये भी चीज़ें होती हैं, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट पार्डन, इसी को हिंदी में कहते हैं बाइज्जत बरी करना, ठीक है। यानी कि दोनों चीज़ों को जैसा पहले था वैसे लाना, तो इसको हम पार्डन कहते हैं। रिप्रीफ का मतलब होता है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, अगर उनको कोई सेंटेंस दिया गया तो उसको टेम्पररी सस्पेंड करना, ठीक है। जैसे लोग जाते हैं जुडिशल ये पार्डन राइट के अंतर्गत प्रेसिडेंट से अपील करते हैं तो प्रेसिडेंट क्या करता है कि कुछ दिनों के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है उस सेंटेंस को, और कहा जाता है कि ठीक है अभी हम देख रहे हैं क्या हमें करना है, थोड़ा सा केस में इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो वैसी सिचुएशन में क्या होती है कि टेम्पररी सस्पेंशन दिया जाता है केसेस को। रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब होता है अवॉइडिंग ले सेंटेंस, तो ये कुछ अनफॉर्चुनेट कंडीशंस में होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन मान लीजिए जैसे कि जो हमारे राजीव गांधी का केस था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे,
तो राजीव गांधी के एसेसिनेशन का जो केस था उसमें एक महिला थी, उनको डेथ सेंटेंस का की सज़ा मिली हुई थी, लेकिन चूंकि प्रेगनेंसी की वजह से उनकी डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया गया था किसमें, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, यानी कि आजीवन कारावास में। तो वैसी कोई सिचुएशन जिसको सेंटेंस को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, तो वो जो आता है वो रिस्पेक्ट के अंडर में आता है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया, या फिर इनएबिलिटी, या फिर डिसएबिलिटी आ गई, मेंटली डिसएबिलिटी या फिजिकल डिसएबिलिटी, ऐसी कुछ, तो वैसे केसेस में थोड़े सेंटेंस को कम कर दिए जाते हैं, ठीक है। रिमिशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस, अब जो सजा होती है ना, ये सेंटेंस भी दो तरीके का होता है, एक होता है क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी, ठीक है। अब आपने मूवी वगैरह में सुना होगा सश्रम कारावास, सश्रम कारावास मतलब बहुत आपसे मेहनत मजदूरी करवाई जाने वाली है, तो 10 साल की सश्रम सरवास सॉरी कारावास। तो क्वांटिटी मतलब टाइम, 10 ईयर्स, सश्रम यानी कि लेबर, दिस इज द क्वालिटी, ठीक है। तो यानी कि ये दो एस्पेक्ट हो गए, दोनों अलग अलग एस्पेक्ट हैं, 10 साल क्वांटिटी एंड क्वालिटी में लेबर, यानी कि काम करना है, और काम कैसा है, सश्रम यानी कि काफी मेहनत मशक्कत वाला काम है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अमाउंट ऑफ सेंटेंस कम करना, अमाउंट ऑफ सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी है इसको कम करना, ठीक है, लेकिन क्वालिटी जो है वो बरकरार ही रहेगी। मान लीजिए आपको कहा गया कि ये 5 किलो का पत्थर है, इसको तोड़ना है इस करवास के तहत में आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि 10 साल की जो सजा थी इसको कम करके मान लीजिए 5 साल कर दी गई, तो कम क्या हुआ, क्वांटिटी कम हुआ, क्वालिटी कम नहीं हुआ, अभी भी आपको 5 किलो वाला पत्थर ही तोड़ना है, ठीक है। तो रिमिशन में क्या होता है कि क्वालिटी बरकरार रहती है सेंटेंस की, बस क्वांटिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। कम्यूटेशन में क्या होता है कि इसका उल्टा होता है, कम्यूटेशन में चेंजिंग वन पनिशमेंट टू अनदर, इसमें क्या होता है कि इसमें क्वालिटी को कम कर दिया जाता है, क्वांटिटी कम नहीं हुआ था होता, यानी कि क्वांटिटी 10 साल तो बरकरार ही रहेगी, लेकिन कहा गया कि चलिए क्वालिटी को हम कम कर देते हैं, अब आपको 5 किलो का पत्थर नहीं तोड़ना है, अब 1 किलो वाला जो पत्थर है इसी को तोड़ दीजिए, इसको तोड़ना आसान है, तो क्वांटिटी कम नहीं की गई, क्वालिटी को कम कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पांच यहाँ पर जुडिशियल पावर दिए गए हैं प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट, वीटो पावर। वीटो पावर से पहले समझते हैं कि कोई भी बिल जब एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उनके पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स रहते हैं, क्या क्या से उनको ऑप्शंस रहते हैं। एक ऑप्शन रहता है कि उस बिल को असेंट दे दे, यानी कि उस बिल पर साइन कर दे और उसके बाद बिल वो एक्ट बन जाएगा, या तो वो साइन करने से मना कर दे, यानी कि रिजेक्ट कर दे, कहे कि नहीं हम साइन नहीं करेंगे, ले जाओ, ठीक है। या फिर तीसरा कि उस बिल को रिटर्न कर दे, ठीक है। तो रिटर्न कहें, देखिए कि हमें अब रिटर्न क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें डिमेरिट्स हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं है, इसलिए आप दोबारा इसको ले जाइए और रिकंसिडर कीजिए, उसके बाद फिर दोबारा हमें भेजिएगा, तो यहाँ पर रिटर्न कर दिया जाता है बिल को, ठीक है। लेकिन मनी बिल और फिनेंस बिल के केस में ये रिटर्न नहीं होता, ठीक है, मनी बिल के केस में ये रिटर्न नहीं होता, क्यों, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा हुआ है मनी बिल जो होता है ये इनके प्री या देखिए मनी बिल जो होता है इनके प्रियर रिकमेंडेशन के बाद ही, अप्रूवल के बाद ही अपॉइंट होता है, इनसे पूछ के उसको रखा जाता है। तो जब आप हमने आपसे पूछ कर रखा है तो फिर काहे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो मनी बिल के केस में ये रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो वीटो पावर है, वीटो पावर 4 तरीके होते हैं। एक होता है एब्सल्यूट, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो। एब्सल्यूट वीटो का मतलब होता है कि मान लीजिए कि अगर प्रेसिडेंट ने मना कर दिया साइन करने से, यानी कि रिजेक्ट कर दिया कि हम साइन नहीं करेंगे, ठीक, लेकिन फिर लेजिस्लेचर क्या है, सॉरी, रिजेक्ट कर दिया, सीधी सी बात है, तो ये एक्ट नहीं बनेगा। तो मेनली ये कौन से केसेस में रिजेक्ट किए जाते हैं, अगर ये कोई प्राइवेट बिल हो, तो प्राइवेट बिल कौन से होते हैं, प्राइवेट बिल वो होते हैं जिसे गवर्नमेंट के आदमी इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के एमपी इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर गवर्नमेंट के एमपी इंट्रोड्यूस करेंगे
तो वो गवर्नमेंट बिल होगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट के अलावा है, दूसरे पार्टी के एमपी हैं या फिर इंडिपेंडेंट एमपी भी हो सकते हैं, तो वो जिन्होंने बिल को इंट्रोड्यूस किया है ये वो बिल होते हैं। तो इस केस में भी ये बिल को साइन करने से मना कर देते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि कोई बिल पार्लियामेंट से पारित होके ये इनके पास चला गया, लेकिन तुरंत क्या हुआ कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ठीक है। अब लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो अब नई लोकसभा आएगी, और जब नई लोकसभा आई तो उसने प्रेसिडेंट को कह दिया कि आप इस बिल पर साइन मत कीजिए। तो फिर इस केस में भी प्रेसिडेंट क्या करेंगे, बिल पर साइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने इन दो केसेस में क्या होता है कि यहाँ पर ये पावर एब्सोल्यूट पावर का यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो ओवर रिडन बाई द लेजिस्लेचर विद अ हायर मेजोरिटी, ठीक है। अब चूंकि क्वालिफाइड वीटो हमारे यहाँ नहीं पाया जाता, ये यूएसए में पाया जाता है, ठीक है। तो क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया उस पर, तो फिर क्या होती है कि जो लेजिस्लेचर होता है वो क्या करेगा कि हायर मेजोरिटी से उसको फिर पास करके भेज देगा। हायर मेजोरिटी का यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए शुरू में इसको एक सिंपल मेजोरिटी से पास करके भेजा गया है, ठीक है। मान लीजिए इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करके भेजा गया है शुरू में, लेकिन प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया, फिर दोबारा लेजिस्लेचर क्या करे कि उसको स्पेशल मेजोरिटी से साइन करके भेज दे, तो ये स्पेशल मेजोरिटी इससे हायर मेजोरिटी हुई, तो इस केस में वो क्या होगा, बिल जो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है कि जब लेजिस्लेचर उसको ऑर्डिनरी मेजोरिटी से ही उसको पास कर दे। इसका मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट जब आपको रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है, रिटर्न करता है बिल को, तो पार्लियामेंट क्या करती है कि जिस मेजोरिटी से उसको पास किया गया था पहले, उसी मेजोरिटी से उसे पास करके भेज देती है। उसको यहाँ पर कहते हैं ऑर्डिनरी मेजोरिटी। अगर वो सिंपल मेजोरिटी से पास किया गया है तो उसको सिंपल मेजोरिटी से ही पास किया जाएगा, अगर वो स्पेशल मेजोरिटी से पास किया गया तो उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। तो ऐसे केस में सस्पेंसिव वीटो होता है, ठीक है। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, बिल को उठा के अपने पॉकेट में रख लेंगे और कहेंगे कि ठीक है भाई अब रुक जाइए। अब पॉकेट में वो कब तक रहेगा वो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम का लिमिट नहीं दिया गया है कि प्रेसिडेंट कब तक अपने पॉकेट में रखेंगे। पॉकेट में रखने का मतलब ये हुआ कि सही में अपने पॉकेट में नहीं रखते, पॉकेट में रखने का ये मतलब हुआ कि प्रेसिडेंट ने कहा कि देखो भाई हम रिजेक्ट भी नहीं करेंगे और अभी एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि अभी हम मना भी नहीं कर रहे हैं और साइन भी नहीं कर रहे हैं, तो भाई अब क्या कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि भी मन है हमारा, जब तक रखना चाहे हम रखेंगे, क्या दिक्कत है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट दिया नहीं गया है, तो इसलिए प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक रहे, 10 साल, 50 साल, 100 साल, ठीक है, जब तक इंडिया का एग्जिस्टेंस रहेगा तब तक ये रहेगा, ओके। तो ये होता है पॉकेट वीटो, ठीक है। इंडिया के केस में सिर्फ 3 तरीके के वीटो हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। क्वालिफाइड वीटो ये इंडिया के केस में नहीं है, क्वालिफाइड वीटो जो होता है ये यूएसए में यूज़ किया जाता है, ठीक है। दिस इज द नो क्वालिफाइड वीटो इन द केस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, इट इज पोसिस्ड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट, ओके। तो ये मैंने जो बताया वही सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़िएगा आराम से, ठीक है। तो जैसे पॉकेट वीटो का एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि 1986 में एक बिल आया था, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, जिसको जो ज्ञानी जैल सिंह थे उस समय के प्रेसिडेंट, इन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया, ठीक है, और उन्होंने साइन नहीं किया। ये बिल जो है अभी भी प्रेसिडेंट के पॉकेट में पड़ा हुआ है, अभी तक ये एक्ट नहीं बना, ठीक है। तो मेनली ये जो प्रेस का फ्रीडम था उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बिल राजीव गांधी गवर्नमेंट ने लाया था, ठीक है। चलिए इसके बाद, हाँ, प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। अभी तक तो हमने पार्लियामेंट के ऊपर देखा था, अभी स्टेट लेजिस्लेशन, यानी कि कुछ ऐसे भी बिल होते हैं जो स्टेट असेंबली में पास किए जाते हैं और प्रेसिडेंट के पास पहुंचते हैं। तो यहाँ से स्टेट असेंबली के पास जो बिल होते हैं वो किसके पास पहुँचते हैं, वो गवर्नर के पास पहुँचते हैं। तो गवर्नर के पास क्या ऑप्शन रहता है, या तो उसको एक्सेप्ट करें यानी कि साइन कर दें, या फिर उसको रिजेक्ट करें यानी कि विदहोल्ड, या फिर उसको रिटर्न करें, और एक इनके पास चौथा भी होता है, क्या, रिजर्व फॉर
प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया अगर इन्होंने बिल, तो वो बिल चला जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। तो जब प्रेसिडेंट के पास वो बिल चला गया तो प्रेसिडेंट चाहे तो क्या करें, उसको एक्सेप्ट करें, असेंट दे अपना, या फिर इसको मना कर दे, या फिर उसको दोबारा रिटर्न कर दे, सॉरी ये सब तो सारा गवर्नर के लिए लिखा गया, गवर्नर के लिए लिखा गया, या फिर गवर्नर क्या करे उसको रिटर्न कर दे। जब रिटर्न कर देगा तो ये प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। अब प्रेसिडेंट भी क्या कर सकता है, यहाँ पर रिजेक्ट कर सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर इसको रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी केसेस होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको प्रेसिडेंट समझ में आ गया होगा, इसको पढ़िएगा आराम से, ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जहां पर ऑप्शंस आपको फंसाए जाते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड या जो भी सर्विस कंडीशंस होती हैं प्रेसिडेंट की, इट इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा स्टेटमेंट आता है, ऐसा नहीं है, ये डिसाइड किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। सर्विस कंडीशंस मतलब जैसे कि सैलरी अलाउंस इनके हो गए, इनको जो फैसिलिटीज मिलेंगी, ठीक है, ये सब डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ स्टेटमेंट हो जो यूपीएससी पूछती है, इसका थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।